पंजाब में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां पंजाब में कांग्रेस सरकार को घेर रही हैं। आज शनिवार को मोहाली में आम आदमी पार्टी की ओर से 3-5 की लाइटों पर धरना देते हुए पंजाब सरकार और मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का पुतला फूंका गया और नारेबाजी की गई। आइए जानते हैं इस मौके पर धरने में शामिल नेताओं ने क्या कहा। पंजाब के लोगों के पंजाब के मजदूरों के पंजाब के व्यापारियों के पंजाब के नौजवानों के जिहड़े हक लुटते आ रहे हैं तो मौजूदा जिहड़ी स्थिति है वो दौरान तुसीं देख लो पिछले 6 महीनों के पहला साधु सिंह धर्मसोत जी जिहड़ा कि 64 करोड़ रुपए वजीफा जो गरीब बच्चों के हक सीगा जिन्हां दे नाल उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके अगे देश की तरक्की दे विच हिस्सा पाउणा सीगा वो बच्चों का हक खा गया तो बिल्कुल वो प्रूव भी हो चुका है सरकार के अफसरों द्वारा प्रूव किया गया भी हाँ ये पैसा खा गए। उस दौरान उन्होंने ना तो अहुदे उतारिया गया ना बरतरफ किया गया ना ही कि उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। इस तरह हुण कोविड के दौरान सैकड़े करोड़ों का कपड़ा जिहड़ा तुसीं देखिया वैक्सीनेशन का जिहड़ा आया बलवीर सिद्धू जिहड़े इत्थे दे मौजूदा मोहाली तो MLA तो बाद मिनिस्टर बने ने हैल्थ मिनिस्टर ने उन्हां दा ते कीदा कीदा सी गल करिए अज्ज इह पंजाब नूं लुट के खा गए बर्बाद करते हैं पंजाब। असीं पंजाब दे लोगों नूं पंजाब दे नौजवानों नूं पंजाब दे बजुर्गों नूं पंजाब दे व्यापारियों नूं पंजाब दे मजदूरों नूं जागरूक करन लई असीं समें समें ते असीं जिहड़ा उन्हां नूं जागरूक करदे आं। अज्ज जिहड़ा विशेष तौर ते धरना लाया गया 64 करोड़ दा जिहड़ा ओह गरीब बच्चों के हक मार के जिहड़ा उस मिनिस्टर ने जिहड़ा पैसा खाधा उहदे उहनूं बरतरफ करन लई ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 118 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੇ ਪੇਪਰੋਂ ਮੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇ ਆਪ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਟਾਲਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਊਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇ ਦਾਦੀ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕਾ ਕੋਈ ਅਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ ਅਸੀਂ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। देखो जी अकाली दल का लोगों को साफ पता लग गया 2015 का जो उन्होंने बेअदबी वाला अज तक उन्होंने जो थब्बा है उन्होंने नाल कांग्रेस भी मिली हुई है ना उस बेअदबी का इंसाफ होया। अज पंजाब के लोग अकाली दल को बिल्कुल नकार रहे हैं नहीं चाह रहे पर अकाली दल जिथे सोच रही असी 2022 की अपनी जमीन तलाश रही है वह गठजोड़े करन ते लगी हुई है। मैनू नहीं लगता इहदा आम जनता ते कोई फर्क पैना हुण जो लोग जागरूक हो गए लोग तीजे बदल आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब च बनाउणा चाहुंदे आ 2022 च वो इस करके बनाना चाहुंदे आ। अज दिल्ली च तुसीं देख लो 3 बार केजरीवाल साहब की सरकार बन गई है किस करके बन गई है वह कम्मां कारां करके बन गई है। हर वर्ग का अज उत्थे फायदा हो रहा बिजली पानी एजुकेशन हैल्थ हर वर्ग नूं उत्थे सहूलतां मिल रही तो पूरी बहुमत दे नाल बन रही है तो पंजाब के लोग भी यही चाहते हैं कि साढ़े भी इदा की सरकार आ। एक मंत्री रेता दे घोटाले च फड़े जाता है कोई मंत्री इन्हों का वजीफे खान च फड़े जाता है कोई मंत्री आवाम की वैक्सीना ही बेच दिंदा ते मैं समझदा भी जे आपां इन्हां दी केंद्र दी सरकार दा इतिहास चुक के वेख लईए केंद्र दी जदों इन्हां च केंद्र च सरकार सी इन्हां दी 2G स्पैक्ट्रम 3G मैं कहना कोई घोटाला ही नहीं छड्डिया। फिर भी मैं समझदा भी जिहड़ी इह रवायती पार्टी है ना जिन्ने भी रवायती पार्टी दे लीडर्स ने यह बेशर्मी ते उतर आए हैं इन्हां नूं अपनी जेबां भरन तों इलावा कोई होर काम नहीं गा इह आवाम बारे सोच नहीं रहे। मैं प्रभजोत कौर जिला सकत्तर आम आदमी पार्टी मोहाली। अज साडा इत्थे एक प्रोटेस्ट सीगा जो कि साधु धर्मसोत दे अगेंस्ट सी जो कि वजीफे घोटाले दे हक दे विच सीगा कि असी जिहड़ा साधु धर्मसोत वल्लों वजीफा घोटाला कीता गया 65 करोड़ दा उहदे अगेंस्ट असी साधु धर्मसोत दे अगेंस्ट असी साधु धर्मसोत दा पुतला फूकिया इत्थे ते प्रोटेस्ट कीता। आम आदमी पार्टी दे सारे वर्कर ते आगू साहिबान इहदे विच मौजूद सन ते असी साधु धर्मसोत दा हुणे पुतला फूकिया आए हां ते साडी जिहड़ी सरकार तों मंग हैगी है कपड़ियां दी जिहड़ी सरकार है ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਕਿ 65 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਗਿਆ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਧਰ ਜਾਓ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਧੂ ਧਰਮ ਸੋਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।